वेलकम फ्रेंड्स। सो एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है जो मैं डाल रहा हूँ, ये दो तीन जो वीडियो आने वाला है अब ऑलरेडी इस दो तीन दिन के अंदर, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड आप लोग वीडियो देख रहे हैं एंड जो जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो मैं प्लीज़ बोलूँगा कि आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा थोड़ा सा कि कैसा कैसा इम्प्रूवमेंट चाहिए एंड किस टाइप का वीडियो चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ बट कोई फीडबैक नहीं आ रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि लोग देख रहे हैं, मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, पर उसमें से कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरा मोटो वीडियो बनाना नहीं है। मेरा मोटो है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो चलिए आज का मेन वीडियो में हम लोग आते हैं। एंड आज का जो वीडियो है, मतलब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो मैं बहुत ही पहले डालने के लिए कोशिश कर रहा था, पर मैं इसके बारे में थोड़ा सा कुछ चीज़ जानने वाला था क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब बहुत ही हाई अमाउंट का ये मामला है। एंड जो भी सारे इसका जो विनर प्राइज है वो भी बहुत हाई अमाउंट का है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, तो इसलिए मैं ये वीडियो पहले नहीं डाल पाया। तो मैं बात कर रहा हूँ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का। अगर मैं अभी का मैं अगर बोलूँ तो अभी जितने भी सारे ऑलरेडी स्टार्टअप्स का फंडिंग वगैरह हुआ है या फिर जो भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या फिर जो कुछ भी हुआ है, ये सबसे बड़ा है। तो मैं अगर बात करूँ तो इस अगर स्टार्टअप इंडिया का अगर आप साइड में जाओगे या फिर गवर्नमेंट पोर्टल में अगर आप जाओगे, तो वहाँ पर एक अलग से देखना कि नाम है भारत इंक्लूशन कैंपेन। तो भारत इंक्लूशन कैंपेन एंड उस कैंपेन का चैम्पियनशिप के लिए ऑलरेडी जो अभी सबमिट या फिर साइन अप प्रोसेस जो चल रहा है वो ऑलरेडी चल रहा है एंड उसका लास्ट जो डेट है वो है वैलिड टिल 20 दिसंबर तक। तो 20 दिसंबर तक आप लोगों के पास टाइम है। जो जो लोग आप स्टार्टअप हो, जो भी स्टार्टअप मतलब आप नॉर्मल सिंगल स्टार्टअप हो या फिर आपका पूरा टीम है, आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, जो भी हो आप, तो हर एक सेक्टर अवेलेबल है। मतलब कोई भी आपका ओनरशिप्स इसमें कुछ फाउंडेशन नहीं है। तो आप जिस टाइप का भी स्टार्टअप हो वो आप डायरेक्टली जाके वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो आपके नाम। एंड मैं कुछ चीज़ स्पेसिफाई कर देता हूँ कि किस किस डिवीजन में ये प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं पहले बात करता हूँ कि CII नेटवर्क जो है, तो वो मेनली इस प्रोग्राम को एसेस कर रहा है। एंड मेनली जितने भी सारे फोकस एरिया है, मतलब जिन जिन सेक्टर में ये लोग पैसे डालने के लिए रेडी है एंड जो जो भी सिलेक्टेड होगा, मतलब एलिजिबिलिटी जो जो स्टार्टअप है, तो मैं उसका एक बार बोल देता हूँ। मॉडल ऑफ फ्यूचर फ़ोन, सो फ्यूचर फ़ोन मतलब फ्यूचरिस्टिक फ़ोन, स्मार्टफोन अगर आप बनाओगे या फिर फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन के बारे में अगर आपके पास कोई आइडिया है, तो आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। एंड नॉट ओनली फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन, ऑब्वियसली द म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, कुछ न्यू बैंकिंग एंड साथ में स्केलेबल प्रोडक्ट फॉर रूरल क्रेडिट सेक्टर, डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, देन एडुकेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड अदर्स 21 सेक्टर है। मैं यहाँ पे पूरे पर लिस्ट अप नहीं कर पाया क्योंकि बहुत बड़ा स्केल अप में ये काम चल रहा है। एंड मैं अगर पूरे मुद्दे की अगर मैं बात करूँ तो ये मेनली काम चल रहा है डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंदर। मतलब इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली गवर्नमेंट इसको देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, ऑलरेडी हमारे मोदी जी ने प्रॉमिस किया है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए इंडिया के सामने जितने भी सारे प्रॉब्लम खड़ा हो सकते हैं, नॉट ओनली दिस सेक्टर, ऑल्सो हेल्थ कम्युनिटी सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, हैंडलूम सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, IoT, देन फाइनेंस, जितने भी सारे सेक्टर है इंडिया के अंदर, सब ऑल टोटल मेजर 21 सेक्टर के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हो सके या फिर जितने भी स्टार्टअप हो सके जो इंडिया का तरक्की के काम में आए, हर एक स्टार्टअप को, मतलब जो जिस जिस सेगमेंट पे जितने भी सारे स्टार्टअप हैं उसके अंदर जितने भी सारे विनर होगा, मतलब मान के चलिए 21 सेक्टर है टोटल, तो 21 सेक्टर के अंदर जितने भी लोग विनर होगा,
ट्वेंटी सेक्टर, 21 सेक्टर मतलब 21 विनर। तो हर एक विनर को 40 लाख रुपीस फंडिंग इंस्टेंट इंडियन गवर्नमेंट से दिया जाएगा अपना काम स्टार्ट करने के लिए। सो दिस इज़ अ, आप ये बोल सकते हो कि ये एक नया ट्रिक्स है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट तो हर काम नहीं कर पाते हैं। अगर मैं प्राइवेटाइजेशन का अगर मैं बात करूँ, अगर गवर्नमेंट ऐसे करके प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं स्टार्टअप्स को साथ में लेके, तो $5 trillion इकोनॉमी बनने का एक चांस रह जाता है। क्योंकि स्टार्टअप एक ऐसा सेगमेंट है या फिर ऐसा सेक्टर है जिसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट का अगर पैसे का कुछ दिक्कत है, अगर स्टार्टअप्स है उन लोगों के साथ, गवर्नमेंट के साथ अगर स्टार्टअप जुड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट को रिकवरी होने में ज़रा से भी देर नहीं होगी। गवर्नमेंट आराम से रिकवरी कर जाएगा। हमारा जो GDP जो अभी स्लो डाउन चल रहा है वो भी आराम से रिकवरी हो पाएगा। हालांकि मैं भी सोच रहा हूँ कि इस भारत इंक्लूशन कैंपेनिंग में मैं भी मेरा जो प्रोजेक्ट्स है, मेरा जो आने वाला जो प्रोजेक्ट्स है, मैं उसको भी रजिस्टर करवाऊँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में मैं भी एक हिस्सा बनूँ गवर्नमेंट का। बट कोशिश जारी जारी रहेगा। मैं ट्राई करूँगा कि इस प्रोजेक्ट्स में मैं भी एक ऑलरेडी मेरा भी हाथ इस प्रोजेक्ट में मैं थोड़ा सा हाथ बटाऊँ। तो पता नहीं मैं विनर होगा कि नहीं, तो बट हाँ मैं ट्राई करूँगा ज़रूर। तो मैं अगर बात करूँ कि इस भारत इंक्लूशन कैंपेनिंग का, तो ये कैंपेनिंग चल रहा है ऑलरेडी सेप्टेम्बर से। इसका ऑलरेडी जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन काम है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, जो टिल दिसंबर तक चलेगा। मतलब इस दिसंबर का 20 तारीख तक चलेगा रजिस्ट्रेशन। तो झट से जाइए और रजिस्टर करवाइए। आपके पास जो भी आइडिया है, जो भी आइडिया गवर्नमेंट को थोड़ा सा अगर हेल्प हो जाए उस आइडिया से, क्या पता आप भी 40 लाख रुपीज़ फंडिंग मिल जाएगा आपको इंस्टेंट गवर्नमेंट की तरफ से। एंड इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी या फिर इससे बड़ा कुछ ऑफर मेरे को तो नहीं लगता है कि आने वाला है इन फ्यूचर। सो बेहतर होगा अभी आप जाओ स्टार्टअप इंडिया के साइट में एंड जाके वहाँ पे आपका स्टार्टअप का जो सारे डिटेल्स है वो जाके रजिस्टर करवाओ। आपका एक अच्छे से एक प्रोजेक्ट्स बनाओ, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ एंड उसके ऊपर एक PPT रेडी करो, उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाओ। तो सब कुछ बना के आप वहाँ पे डालो। एंड मेरे तरफ से जो जो भी लोग इस भारत इंक्लूशन कैंपेनिंग में हिस्सा ले रहे हो, सबको बेस्ट ऑफ द लक। एंड साथ ही में इस वीडियो को जितने भी सारे आपका स्टार्टअप्स फ्रेंड है, जो लोग स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या फिर सोच रहे कि पैसा कहाँ से लेके आए या फिर पैसा कहाँ से मिलेगा, तो उनसे ये वीडियो शेयर करो। क्या पता आपका फ्रेंड भी शायद इस कॉन्टेस्ट का विनर बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।